आज की वीडियो बरके इस्त्री यानी के इलेक्ट्रिक आयरन के ऊपर है। ये आला तकरीबन हर घर में इस्तेमाल होता है। इसके जरिए सूती, ऊनी और रेशमी कपड़ों को हम बासानी इस्त्री कर सकते हैं। सप्लाई मिलने पर जो बरके हिस्सा है वो गर्म हो जाता है, इसे हम एलिमेंट कहते हैं। एलिमेंट के ऊपर एक वजनी प्लेट रखी जाती है। इस प्लेट के ऊपर एक लोहे के खोल को फिट किया जाता है। खोल के ऊपर पीका लाइट से बना हुआ हैंडल फिट किया जाता है। इस्त्री के अंदर एक इंडिकेटर भी लगा होता है जिसे पैलेट लैंप या नियोन लैंप कहा जाता है, जो सप्लाई की मौजूदगी का पता देता है। आमतौर पर दोस्तों इस्त्रियाँ 750 वाट से 1000 वाट तक की पाथियों आजकल खुदकार जिसे ऑटोमेटिक आयरन भी कहते हैं आ चुकी हैं, लेकिन इनसे पहले सादा बर की इस्त्रियाँ होती थी। ये इस्त्री अक्सर घरों में कम ही इस्तेमाल होती है क्योंकि इसके दर्जा हरारत को कंट्रोल नहीं किया जाता। जो ही इस इस्त्री को बर की सप्लाई से जोड़ा जाता है तो ये इस्त्री बगैर किसी कंट्रोल के ऑन हो जाती है और दर्जा हरारत देना शुरू कर देती है। अगर इसके इस्तेमाल में ज़्यादा तवज्जो ना दी जाए तो ये रेशमी और ऊनी कपड़ों को जला देती है। दोस्तों अगर हम बात करें खुदकार इस्त्री यानी कि ऑटोमेटिक इस्त्री की, तो ये सादा हमले में खुदकार इस्त्री को ज़्यादा तरजीह जाती है क्योंकि इसमें हरारत का कंट्रोल खुद ब खुद होता रहता है। अगर कपड़े के मुताबिक इस्त्री का दर्जा हरारत मुनासिब हद तक पहुँच जाए तो इसमें करंट ऑटोमेटिक तौर पर बंद हो जाता है, और अगर मखसूस दर्जा हरारत से कम दर्जा हरारत हो जाए तो खुद ही करंट चलना शुरू हो जाता है। ये सारा काम इस खुदकार इस्त्री में खुद ब खुद होता रहता है, और इस सारे काम को सर अंजाम देने के लिए इसमें एक स्विच लगा होता है जिसे हम थर्मोस्टेट कहते हैं। यही थर्मोस्टेट इस सारे काम को सर अंजाम देता है। इस इस्त्री के हैंडल के अंदर एक पैलेट लैंप लगा होता है जिसे इंडिकेटर भी कहते हैं। इस्त्री के बंद हो जाने से इंडिकेटर बुझ जाता है और ऑन होने पर यह इंडिकेटर रोशन हो जाता है। इस सादा इस्त्री में और खुदकार इस्त्री में थर्मोस्टेट का सिर्फ फर्क होता है। दोस्तों इसके अलावा एक खुदकार भापदार इस्त्री भी होती है। ये भी एक खुदकार इस्त्री होती है जिसमें तले के दर्जा हरारत को मुकर्र हद तक बरकरार रखने के लिए थर्मोस्टेट इसके अंदर लगाया जाता है। इस इस्त्री में एक छोटा सा होज बना होता है जो इस्त्री के हैंडल के साथ बनाया जाता है। इसमें पानी की मुनासिब मिकदार डाली जाती है और ये पानी गर्म होकर भाप की शक्ल इख्तियार कर लेता है। एक छोटे पंप के जरिए पानी का हसब ज़रूरत छिड़काव भी किया जाता है। इसके अलावा इसमें पानी को ज़खीरा करने और इसे कपड़ों पर फैलाने का भी बंदोबस्त होता है। दोस्तों इस इस्त्री में एक वाल्व के जरिए पानी आहिस्ता आहिस्ता गर्म तले पर पड़ता है जिससे वही पानी भाप की शक्ल इख्तियार कर लेता है। दोस्तों अगर हम इस्त्री के पार्ट्स की बात करें तो सबसे ऊपर आपको पहले इसका हैंडल दिखाई देगा। बरकी इस्त्री का हैंडल पीका लाइट मटेरियल का बना होता है जिसको स्टील कवर के ऊपर स्क्रू की मदद से कस दिया जाता है। हैंडल के पीछे हिस्से में कनेक्शन के लिए जगह बनी होती है। इसके हैंडल के ऊपर ही सिलेक्टर स्विच को भी लगाया जाता है। साथियों अगर हम इससे हैंडल से नीचे आएं तो हमें स्टील कवर जो कि स्टेनलेस स्टील की शीट से तैयार किए जाते हैं, इनको एक ख़ास शक्ल में तैयार किया जाता है और इनके अंदर प्लेट और एलिमेंट छुपाए जाते हैं। साथ ही इसी स्टील कवर के अंदर वजनी एक प्लेट रखी जाती है। एलिमेंट के ऊपर रखे गए हिस्से को वजनी प्लेट कहते हैं। ये कास्ट आयरन मटेरियल से तैयार की जाती है। इसे एलिमेंट के ऊपर बोल्टों की मदद से कस दिया जाता है। इस वजनी प्लेट का मकसद बर की इस्त्री को आहिस्ता आहिस्ता गर्म और ठंडा करना होता है। दोस्तों आपको स्टील कवर के नीचे इसका तला जिसे सोल भी कहते हैं, ये इस्त्री का सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है। ये तला मखसूस मटीरियल जिसमें एल्युमिनियम और जस्त की मिकदार मिलाई गई होती है इससे तैयार किया जाता है। कुछ इस्त्रियों के लिए इसके बैरूनी हिस्से में एलिमेंट के लिए एक झरी बनाई जाती है जिसमें एलिमेंट एक जगह पर फिक्स किया जाता है, लेकिन जो आजकल इस्त्रियाँ आ रही हैं इनको सोल के साथ ही पिवट कर दिया जाता है जिसकी वजह से हम इसके तले से एलिमेंट को अलग नहीं कर सकते। दोस्तों इसके निचले हिस्से को जिसको हम तला या सोल कहते हैं बिल्कुल साफ, हमवार और शफाफ बनाया जाता है और बाद में इसे निकल कर दिया जाता है जिससे कपड़ों पर इस्त्री आसानी से चलती है। दोस्तों इसके तले के साथ एलिमेंट लगा होता है और एलिमेंट हरारत देने वाला हिस्सा होता है। ये एलिमेंट नाइक्रोम मटेरियल से बनाए जाते हैं। इसको इस्त्री के तले के ऊपर रखा जाता है।
दोस्तों इस एलिमेंट को, हरारत को कंट्रोल करने के लिए हमें एक ऐसा स्विच दरकार होता है जो खुद ब खुद इसके करंट को तोड़ता और जोड़ता रहता है। यानी कि हमें एक ऐसा स्विच चाहिए होता है जो बल्कि करंट को इस वक्त खुद ब खुद तोड़ देता है जब स्त्री मुतय्यना दर्जा हरारत पर पहुंच जाती है और हमारा रहनुमा लैंप बुझ जाता है। जब दर्जा हरारत इस मुकर्रर हद से कम हो जाए तो जल्द ही ये सर्किट को दोबारा मिला देता है और हमारा पायलट लैंप ऑन हो जाता है। दोस्तों खुदकार स्त्रियों में एक नियोन लैंप लगा होता है, ये 3 वोल्ट का होता है, लेकिन ये लैंप 220 वोल्ट पर काम करता है और इसके सीरीज में एक 220 ओम की मजाहमत लगा दी जाती है। इस मजाहमत की वजह से ये लैंप चलने नहीं पाता और इसका मकसद बल्कि स्त्री का ऑन और ऑफ का पता चलाना होता है। बास स्त्रियों में नियोन लैंप भी लगाए जाते हैं। दोस्तों सबसे आखिर में ये लिस्ता लचकदार तार कहलाता है। इसके एक सिरे पर प्लग और दूसरे सिरों को स्त्री के निचले खाने में जोड़ दिया जाता है। साथियों उम्मीद करता हूँ कि आज की इलेक्ट्रिक आयरन के ऊपर बनी ये मालूमती वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।